छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में दो महिला नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी मुहैया करवाई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में नगरमपोरो हिरमा गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने दो महिला नक्सलियों को मार गिराया है। उन्होंने बताया कि अरनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में राज्य पुलिस की इकाई जिला रिजर्व गार्ड DRG के दल को गश्त पर रवाना किया गया था। दल जब आज सुबह लगभग 7 बजे दंतेवाड़ा सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नगरमपोरो हिरमा गांव के जंगल में पहुंचा, तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की है। सितंबर को जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर से DRG एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम दंतेवाड़ा और सुकमा जिला के सरहदी क्षेत्र नहाड़ी छोटे हिड़मा डुंगीपारा के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर विशेष अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान आज दिनांक 20 सितंबर को प्रातः 7:15 में कैंप नहाड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पुलिस पार्टी एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात घटनास्थल पर सर्च करने पर दो महिला माओवादियों का शव एवं दो हथियार जिसमें एक इंसास और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और शेष विवरण पुलिस पार्टी वापस होने के बाद दी जाएगी।